हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ एल्कोहल। सेकेंड वीडियो सेम कपड़े, क्योंकि सेम दिन भी है, इसलिए फटाफट हम आपके लिए एक और रिव्यू लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बियर का। ये रिव्यू इम्पोर्टेंट किस लिहाज से, ये इम्पोर्टेंट रिव्यू इसलिए किस तरह ये प्रोडक्ट मार्केट किया गया। स्वीटनेस है क्या पैलेट पे? टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज जिन्सबर्ग क्लासिक स्ट्रॉन्ग बियर। ये आती है हमारा ब्यूरी से, बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बड़ा बड़ा लिखा है ऑर्गेनिक जिन्सबर्ग। ऑर्गेनिक ये वर्ड याद रखना, जैसे जैसे रिव्यू चलता जाएगा काफी सारी फोल्ड जो है अनफोल्ड होती रहेंगी चीजें, तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम इंस्पायर्ड है एक जर्मन वर्ड से इंस्पायर्ड है जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग्स, यानी आसपास की चीज़ों से। जर्मन वर्ड जिन्सबर्ग का जो बेसिक मीनिंग है, और इसका जो लोगो है वो लाइन आप सबको पता है। एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स पे अगर हम नज़र डालें तो माल्ट्स एंड हॉप्स आर फ्रॉम अर्जेंटीना एंड बेल्जियम, तो इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। लेकिन इसमें एक बार इंग्रेडिएंट्स पे नज़र और डाल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके अंदर आपको मॉल्टेड बार्ले मिलता है। ऑब्वियसली ये 2 रो बार्ले है जो अपना इंडियन है, राइस है जो इंडियन है, मेज़ है, अगेन ग्रेट, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है रिव्यू। प्रॉब्लम कहाँ आती है? शुगर, इसमें शुगर एडेड है। तो ये ऑर्गेनिक लिखना और शुगर ऐड करना, ये चीज़ें साथ नहीं जाती। अगेन चेक द लेबल, रिमेंबर हमारी बात, हॉप्स यीस्ट ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इसमें हैं। ये बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं लेकिन शुगर डाल के इन्होंने ये गेम गलत कर दी। क्यों? 110 रुपये में बियर देना, स्ट्रॉन्ग बियर देना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी अगर शुगर भी थी तो, लेकिन ये ऑर्गेनिक लिख के हमें ऐसे अट्रैक्ट नहीं करना था। कैन ओवरव्यू की अगर हम बात करें, गोल्डन ब्यूटी, लुक्स वेरी नाइस, प्रीमियम, जो मैग्नम आती है बडवाइजर की, वो वाला गोल्डन और इस गोल्डन में काफ़ी डिफरेंस है। अगर दोनों साथ भी पड़े होंगे तो इसकी एक अपनी अपेयरेंस, अपनी पहचान है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वैसे भी ये कलर जो है डिफिकल्ट टू पुल ऑफ होता है क्योंकि सब मैग्नम के साथ एसोसिएट कर देते हैं। दिस कैन, इफ यू टॉक अबाउट दिस कैन, दिस इज अ 500 ml कैन। इसका जो ABV है इट रेंजेस फ्रॉम 5% to 8%, उसके बीच में कहीं पर ही आता है। प्राइस की बात करें तो 110 rupees ओनली, तो प्राइस भी कम है, लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बियर है। बट इसके डाउन साइड अपसाइड हम आपको बता चुके हैं और आगे अभी रिव्यू में भी पता चलेगा कि कैसा परफॉर्म करती है। अब चलते हैं पोरिंग पर और देखते हैं कि जो ये लुक कैरी कर रही है और जो ये प्रॉमिस कर रही है, क्या वो उस पर खरी उतरती है या नहीं। करंटली ये नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है और इनका जो फ्यूचर प्लान चल रहा है, जो टारगेट है इनका, UAE और अफ्रीका को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे ये भेजेंगे इनको। बिल्कुल, एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट करना हमारे नेशन से बहुत अच्छी बात है। अब बात करें अगर हम इसकी फ्रॉथ की, तो प्योर वाइट फ्रॉथ अच्छी बनी है, नो डाउट। कार्बोनेशन लेवल्स आई वुड से ना बहुत हाई है ना बहुत, ठीक है, मीडियम है, बट मीडियम से भी थोड़े कम है। अब चलते हैं इसकी नोजिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें। टिपिकल बियर, जो एक जर्मन से भी ज़्यादा डच बियर, तो फ्रूटी है काफ़ी नोज पे, तो अच्छी लग रही है। स्ट्रॉन्ग बियर वाला कोई अरोमा नहीं आ रहा, राइट, बट हो सकता है क्योंकि इसमें जो हॉपीनेस है ना नोज पे वो बहुत कम फील हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये बियर थोड़ी फ्लैट ना पड़ जाए, क्योंकि कार्बोनेशन लेवल्स भी बात करते करते काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास और देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। कलर की बात करें तो पेल येलो है, बिल्कुल पेल येलो है, बाकी देखते हैं टेस्टिंग में। स्ट्रॉन्ग बियर वाला फील नहीं है, ठीक है, और थोड़ी सिट्रसी लगी है। अच्छा, थोड़ी सी सिट्रसी है, माल्टीनेस बहुत कम है, कम फील हो रही है। अच्छा ठीक है, और हॉपीनेस का लेवल, हॉपीनेस बिल्कुल लाइट है, लाइट है, हाँ ठीक है। मतलब अगर पी रहे हो तो इसमें फील नहीं होगा आपको कि कोई स्ट्रॉन्ग बियर पी रहे हो, बिटरनेस भी कम है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और स्वीटनेस है क्या पैलेट पे एक बार अगर आप दोबारा पी के चेक करना चाहें तो, क्योंकि शुगर भी एडेड है तो वो एक ड्रॉबैक है नो डाउट। स्वीट है, कोई ऐसा फील नहीं है कि भाई वो शुगर
की वजह से ही थोड़ी स्वीटनेस फील हो रही है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है, आपको याद होगा थोड़ी ही रिव्यूज पहले हमने एक रॉक बर्ड करी थी इसी प्राइस की, उससे ये अच्छी है उसमें, उस इसमें वो स्ट्रॉन्ग बियर वाला फील नहीं है बिल्कुल भी। नहीं उसमें तो खैर हमें टेस्ट भी खैर कमी आए थे। हाँ, नहीं इसमें टेस्ट तो आ रहे हैं, वो यूनिडाइमेंशनल थी, कुछ नहीं था, फ्लैट थी। इसमें तो टेस्ट आ रहे हैं। अच्छा इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है 110 के हिसाब से। ठीक है, जैसे 110 के हिसाब से तो टेस्ट भी ठीक है, बियर भी ठीक है, कोई भी मतलब इसको ये नहीं कह सकता कि बेकार है, बेकार है, नकार नहीं सकता, नकार नहीं सकता। लेकिन ये जो इन्होंने ऑर्गेनिक वाली गलती करी है या शुगर डाल के गलती करी है, दोनों में से एक सुधार लो। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूएई जा रहे हो इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, अफ्रीका जा रहे हो इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तो या तो शुगर हटा दो या ऑर्गेनिक हटा दो, वो आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी अगर हम रेटिंग की या ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, नहीं अपने एक्सपीरियंस में एक चीज और कहना चाहता हूँ, थोड़ी ये बियर ना ड्राई है, ड्राई बियर है। हाँ ये थोड़ी कमी होगी क्योंकि जो फ्लेवर्स फील होते हैं आफ्टर ड्रिंक, हाँ तो वो फील नहीं हो रहे ना, टिक नहीं रहे, टिक नहीं रहे, माउथ लिंगरिंग नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब वो एक माइनर सी कमी है इसमें, अदरवाइज प्रोडक्ट सही चलाए, अदरवाइज प्रोडक्ट सही के हिसाब से सही है, पैकेजिंग अच्छी थी, ब्रांडिंग अच्छी थी, मार्केटिंग बड़ी स्मार्टली करी है। आपको नॉर्मल बंदा जो जाएगा वो सीधा भैया ऑर्गेनिक बियर आई 110 में ले जाओ, वो अगेन अदरवाइज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। उसके अलावा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो अगर हम रेटिंग की बात करें तो क्या होगी रेटिंग में, इसको 7.9 दूं, यानी कि ये 8 एंड अबव भी हो सकती थी अगर ये चेक द लेबल वाला धोखा ना हुआ होता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये भी हमारी हो चुकी, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दो विस्की रिव्यूज हैं जो बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक हो सकती है आपकी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, बिल्कुल, और एक बजट इंडियन विस्की है हमारे पास जो उसका है तो बहुत कुछ, लेकिन कमेंट जरूर करो। हाँ कि तो अब उसी को हम प्रेफर करेंगे। हाँ, इसके बाद क्या आपको बजट विस्की देखनी है या आपको पहले वो देखनी ब्लेंडेड ब्लेंडेड स्कॉच स्कॉच, तो इन दोनों में से आप सेलेक्ट करो, जो आप सेलेक्ट करोगे उसी का रिव्यू पहले आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन चीयर्स।